बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा बयान, कहा विरोधी चाहे तो मान सकते हैं नोटबंदी को, चुनाव का जनमत संग्रह, बीजेपी बंटवारे में नहीं करती विश्वास। बीजेपी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पीएम मोदी पर तंज, उत्तर प्रदेश ने उन्हें लिया है गोद, पंजाब में खून का बेटा और उत्तर प्रदेश में दत्तक पुत्र। आज समझाएगा चुनाव प्रचार, कल यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का है मतदान, 12 जिलों की 69 सीटों पर होगा मतदान। सपा सरकार को बड़ा झटका, धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री विजय मिश्र ने सपा छोड़कर थामा बीएसपी का दामन, गुरुवार को बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने बीएसपी की दिलाई सदस्यता। और बुलंदशहर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर धोखाधड़ी, 2 लाख का लालच देकर भरवाए जाते थे फॉर्म, पुलिस ने डाकघर पर छापा मारकर की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ नीरू यादव। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की। यूपी चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल अमित शाह ने कहा कि बिना किसी शक के नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा है, पीएम मोदी भी इसके बारे में जनसभाओं में बात कर रहे हैं, विरोधी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो इससे चुनाव का जनमत संग्रह मान सकते हैं, बीजेपी को यह चुनौती स्वीकार है। वही मुसलमानों को नकारने के आरोप पर अमित शाह ने सपा कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी पर ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाया। अमित शाह ने कहा कि गठबंधन और बीएसपी ने असंगत तरीके से मुसलमानों को टिकट दिए। उन्होंने कहा कि अगर आप ध्रुवीकरण की बात करते हो तो क्या उनसे नहीं पूछना चाहिए कि एक समुदाय को इतनी बड़ी संख्या में टिकट क्यों दिए गए। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी बंटवारे में विश्वास नहीं करती। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यह कहने पर तंज कसा कि उत्तर प्रदेश ने उन्हें गोद लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अब न हंसाने का निवेदन भी किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद ने किसी का नाम लिए बिना ट्वीट कर लिखा, पंजाब में खून का बेटा और उत्तर प्रदेश में दत्तक पुत्र, गजब है रे भाई, इतना मत हंसाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, भगवान कृष्ण यूपी की धरती में पैदा हुए और गुजरात में कर्मभूमि बनाई, मैंने गुजरात में जन्म लिया और मुझे यूपी ने गोद लिया है, यह मेरी कर्मभूमि है, मेरा माई बाप है, मैं ऐसा बेटा नहीं हूं जो यूपी छोड़ दूं, गोद लिया बेटा भी माई बाप की चिंता करेगा और यहां की स्थिति बदलने का कर्तव्य निभाएगा। ईके पलानी स्वामी ने गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। पलानी स्वामी शनिवार को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। बताया जा रहा है कि पलानी स्वामी शशिकला से बेंगलुरु जेल में मिलने पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को आय से अधिक संपत्ति रखने पर 4 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि सीएम पलानी स्वामी समेत गुरुवार को 30 मंत्रियों को राज्यपाल विद्यासागर राव ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं पलानीस्वामी पिछले 2 महीने के अंदर तमिलनाडु के तीसरे सीएम हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान होगा। 12 जिलों में फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर शामिल है। इन जिलों में 19 फरवरी को वोटिंग होगी। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इन 69 सीटों में से 55 पर जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखनऊ में अपना यादव के लिए वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव आज यहां पर कई जनसभाएं करेंगे। 2 दिन पहले डिंपल यादव ने भी अपनी देवरानी अपना यादव के लिए कैंपेन किया था। वहीं राहुल गांधी आज रायबरेली में रैली करेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी भी रहेंगी। चुनाव प्रचार से पहले ही कहा जा रहा था कि प्रियंका और डिंपल यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की स्टार प्रचारक होंगी। अब तीसरे चरण की वीआईपी सीटों पर ये लोग खुलकर प्रचार करने की तैयारी कर रही हैं।
अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव पर भी खूब बरस रहे हैं। दरअसल अखिलेश ने बिना नाम लिए शिवपाल को हराने की अपील की है। अखिलेश जब इटावा पहुंचे तो घर के झगड़े की चर्चा छेड़ दी। अखिलेश के भाषण के दौरान उनके चाचा रामगोपाल यादव मंच पर मौजूद थे। परिवार के झगड़े में रामगोपाल लगातार अखिलेश के साथ डटे हुए थे। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि उन्होंने लोगों पर ज्यादा ही भरोसा कर लिया है। जिन पर भरोसा किया उन्होंने हमें और नेताजी को ही लड़ा दिया। उन्हें कभी साइकिल को हराने की बात नहीं की, लेकिन सुना है इटावा में कहीं कहीं मोबाइल से लोगों को बुलाकर साइकिल हराने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि यहाँ पर एक नई पार्टी भी बनने जा रही है। अखिलेश ने आगे कहा, यह आरोप तो उन पर लगता था कि वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, लेकिन नई पार्टी अब किसी और ने बनाने की सोची है। जम्मू कश्मीर की 9 महीने पुरानी महबूबा कैबिनेट का आज विस्तार होगा। बताया जा रहा है कि पीडीपी के एक या दो विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अमीरा दल से विधायक अल्ताफ बुखारी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। अल्ताफ बुखारी मुफ्ती सईद सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती सरकार में इन्हें शामिल नहीं किया गया था। बुखारी के अलावा दक्षिण कश्मीर के किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री बनने के लगभग 9 महीने के बाद उनके मंत्रिमंडल में यह पहला विस्तार होने जा रहा है। दिल्ली में मिड डे मील खाने से 9 बच्चे बीमार हो गए। हैरानी की बात यह है कि बच्चों के खाने में मरे हुए 2 चूहे मिले। बच्चों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। सवाल खाना सप्लाई करने वाले एनजीओ पर उठ रहा है, जिसको लेकर राजनीति भी हो रही है। बच्चों को मिड डे मील में पूड़ी और आलू की सब्जी मिली थी। खाने के दौरान कुछ बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला दिल्ली सरकार के स्कूल का था, इसलिए आनंद फानंद में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और इलाके के विधायक सोमनाथ अस्पताल पहुंच गए। सिसोदिया बीमार बच्चों से मिले और खाना सप्लाई करने वाली एनजीओ के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास अवरूप को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उनको विदेश मंत्रालय की सोशल मीडिया में पहुंच के विस्तार और संवेदनशील मुद्दों को कुशल तरीके से निपटाने का श्रेय दिया जाता है। साल 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी ने साल 2015 में यह अहम जिम्मेदारी संभाली थी। उस दौरान भारत का विदेश मंत्रालय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। स्वरूप के उपन्यास Q&A पर ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर बन चुकी है। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान विभाग के संयुक्त सचिव गोपाल बागले विकास स्वरूप का स्थान लेंगे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शहवान की मशहूर लाल शाहबाज कलंदर दरगाह के अंदर गुरुवार को हुए आत्मघाती हमले में करीब 100 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दरगाह को सिया मुसलमानों के लिए प्रसिद्ध इबादत गाह भी माना जाता है। आत्मघाती हमले के पीछे फिलहाल ISIS का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान में एक हफ्ते के अंदर यह 5वां आतंकी हमला हुआ है। पुलिस के मुताबिक यह धमाका सूफी रस्म धमाल के दौरान हुआ। विस्फोट के समय दरगाह के परिसर के अंदर सैकड़ों की संख्या में जायरीन मौजूद थे। मिल रही जानकारी के मुताबिक हमलावर सुनहरे गेट से दरगाह के अंदर दाखिल हुआ और पहले उसने ग्रेनेड फेंका, लेकिन वह नहीं फटा, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी के बाद हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। सात मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने से संबंधित ट्रैवल बैन ऑर्डर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकट भविष्य में बदलाव करने का फैसला किया है। ट्रंप सात मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने से संबंधित ट्रैवल बैन कार्यकारी आदेश पर जल्द बदलाव करेंगे। जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रंप मुकदमे में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और वह इसके स्थान पर जल्द ही कोई नया रास्ता निकालेंगे। ट्रंप ने कहा कि यात्रा प्रतिबंध पर लिया गया उनका निर्णय बहुत ही आसान था, लेकिन प्रशासन को इस मामले में अदालत से खराब फैसला मिला। उन्होंने कहा कि संबंध में उनका अगला आदेश कानूनी फैसलों के अनुरूप होगा।
कौशाम्बी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी और अमित शाह को सीधे निशाने पर ले लिया। सराय अकिल में कांग्रेस की एक जनसभा में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने आए कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को ही निशाने पर रखा। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी और अमित शाह कुछ भी कर ले, अब बीजेपी और अमित शाह का वजन कम होने वाला है। भाजपा की हवा निकल गई है, भाजपा नंबर 3 पे चल रही है। भाजपा के अमित शाह चाहे जो कर ले, अब उसका वजन कम होगा और अमित शाह जी का भी वजन कम होगा। सपा सरकार को फिर एक करारा झटका लगा है। दरअसल धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री विजय मिश्र ने सपा का दामन छोड़ अब बीएसपी का दामन थाम लिया है। गुरुवार को बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने अपने आवास पर उन्हें बीएसपी की सदस्यता दिलाई। बसपाई होने के बाद विजय मिश्र ने अखिलेश यादव पर तीखे प्रहार किए, उन्हें ब्राह्मण विरोधी और भ्रष्टाचारियों से घिरा बताया। आपको बता दें कि गाजीपुर सदर से विधायक विजय मिश्र सपा सरकार में धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री थे। उनका टिकट अखिलेश यादव ने काट दिया। बीएसपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि आखिर तक टिकट को लेकर उनको धोखे में रखा गया। टिकट नहीं देना था तो साफ कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बसपा सर्व समाज की पार्टी है, सपा का पूर्वांचल में सफाया हो जाएगा। यूपी के बरेली में राजनीतिक बातों को लेकर दो पक्षों में देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। दोनों ही पक्ष हाथापाई पर उतर आए। आपको बता दें कि ये मामला बरेली कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर पुलिस चौकी के सामने का है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जब वहां का नजारा देखा तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी पहुंचे और मामले को शांत किया गया। ये बिहारीपुर चौकी है हमारी कोतवाली की, इसके पास में सामने इस्लामी इंटर कॉलेज है। यहाँ पर कुछ लड़के खेल रहे थे तो दो पक्षों में वाद विवाद हुआ था खेलने को लेकर। उसी बात पे दो पक्षों के लड़कों के बीच मारपीट हुई है। कोई विशेष बात नहीं है, दोनों पक्षों को हम लोग दर्दात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज भी कर रहे हैं। वही बरेली में बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जहां बदमाशों ने रंगदारी न देने पर एक डेयरी संचालक को गोली मार दी। मामला बरेली के प्रेमनगर धर्मकांटा चौराहे का है, जहां डेयरी मालिक की चाय की दुकान है। बताया जा रहा है कि बदमाश अक्सर यहां जबरन वसूली किया करते थे, लेकिन वहीं इस बार रंगदारी न देने पर बदमाशों ने डेयरी संचालक को गोली मार दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। ये अभी थाना क्षेत्र प्रेमनगर में एक मानसिंह राठौर है, जिनके डेयरी के काम करते हैं। इनको दो लोगों ने गोली मार दी है, एक आदमी को पकड़ रखा था, दूसरे ने गोली मारी। जो ये बात बताई जा रही है, वो पीड़ित ये कह रहे हैं कि उनसे एक भगवत शरण प्रजापति करके एक पत्रकार है, जो उनसे 3,000 रुपये महीने की मांगते हैं, उनसे पैसे दाही करते हैं उसकी, और जो नहीं देने पे वो उसको हमला करते हैं। एक बार पहले भी उनके ऊपर हमला हो चुका है, उनका कहना है कि दोबारा उनको गोली मारे हैं। और जो कल्लू यादव नाम का जो बदमाश जिसने गोली मारी है, उनसे और भगवत सिंह प्रजापति के अच्छे संपर्क हैं, ऐसे बता रहे हैं। तहरीर प्राप्त की जा रही। उत्तर प्रदेश में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। लूट, डकैती, हत्या और दुष्कर्म जैसी खबरें सुर्खियां बनाए हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अब सरेआम गोली चलाना आम बात हो गई है। ऐसी घटना सामने आई है बुलंदशहर के ककोट क्षेत्र से, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर गोली चला दी। गोली लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डॉक्टरों ने उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। उधर पुलिस घटना की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। मेरे साथ घटना हुई थी, मैं भट्टा पे से वहाँ कुछ गाजियाबाद को आने लगा। मेरे पास सत्यम का फ़ोन आया, प्रधान का, गांव के का, कि चाचा कहाँ मैं भट्टा पे, कहता थाने पे मिल लेना। मैं पंडित जी के घर आया, बाइक लेके हम ककोड़ को चले, तो ककोड़ रास्ता में ये मिला। मैंने इसकी गाड़ी के आगे से गाड़ी निकाल, आगे 3 आदमी बाइक पर मिले, मेरे पे एक साथ गोली चला दी उन्होंने। वो लाला सनो पखे सिंह, संजय और चारू डॉक्टर मिर्जापुर का प्रधान। फिर थाने में गया मेरे पास, का चाचा अस्पताल में, का गोली मारा है मेरे में। प्रधान वहाँ से फिर भाग गया।
ये ककौड़ थाना क्षेत्र का मामला है, दोनों लोग एक ही बिरादरी के हैं, सजाती हैं, जमीनी विवाद चल रहा है उनका पुराना, उसको लेके खास नहीं हुई, फिर बाद में आपस में झगड़ा हो गया, फायरिंग हो गई, उस एक युवक को दो गोली लगी, प्रेम सिंह नाम के, आउट ऑफ डेंजर हैं, उसमें उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जिन लोगों ने गोली मारी है उनको शीघ्र पुलिस गिरफ्तार करेगी और कड़ी कार्रवाई करेगी। बुलंदशहर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर 2 लाख रुपए दिलाने का एक फर्जी मामला सामने आया है। इस प्रकार के फॉर्म भरने की आवेदकों में होड़ मची है, लेकिन जैसे ही ये प्रशासन के अधिकारियों के कानों तक पहुंची तो पुलिस ने डाकघर पर छापा मारकर कार्रवाई की। पुलिस कर्मियों ने फॉर्म जमा करने आए आवेदकों को समझाकर घर भेज दिया है। वहीं पुलिस ने किताब फॉर्म दुकानदारों को इस प्रकार के फॉर्म बिक्री न करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं, साथ ही दुकानों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री कोई स्कीम है उसके तहत मिल रहे हैं लड़कियों को। ये इस तरह का हम लोगों को निर्देश मिला है कि इस तरह का कोई स्कीम नहीं है, फर्जी है, तो उसी तहत हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस में और जहाँ पर इस तरह के फॉर्म्स मिलते हैं वहाँ पर छापे मारे। हालांकि एक लड़की फॉर्म ले जाते हुए पोस्ट ऑफिस में जमा करने का प्रयास कर रही थी, बाकी जगह इन लोगों को हम लोगों ने आगाह कर दिया, निर्देश दे दिया कि इस तरह की कोई स्कीम नहीं है, अगर कोई इस तरह का काम करता है और लड़कियों को गुमराह करके उनसे कुछ पैसे वसूलता है या उनको करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसी कोई शिकायत आई थी सर अभी तक आपके? हाँ, इस तरह की हम लोगों को शिकायत आई और इस तरह के निर्देश में हैं कि हम लोग इस तरह के जाएं और जो आम पब्लिक है, जो लड़कियां हैं, उनको हम लोग उनके अंदर अवेयरनेस फैलाएं कि इस तरह की कोई स्कीम नहीं है आज के डेट में कोई इस तरह की स्कीम। बिहार के समस्तीपुर में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदात को अंजाम देते आ रहे हैं। समस्तीपुर के पटौरी में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों ने पेट्रोल पंप से 85,000 रुपए की लूट की और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बड़ी ही आराम से घटनास्थल से फरार हो गए। पेट्रोल मालिक अपराधियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवा चुके हैं। फिलहाल अभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस के लगातार छापेमारी के बावजूद बिहार के समस्तीपुर में शराब के कारोबार में कोई कमी आती नहीं दिख रही है। अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में समस्तीपुर पुलिस और जीआरपी ने लगभग 600 बोतल अलग अलग ब्रांड के अंग्रेजी शराब बरामद की और 4 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया। समस्तीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए शिवाजी नगर के परसा गांव में भी 503 विदेशी शराब की बोतल बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने कारोबारी को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए कारोबारी मुकेश कुमार सिंह के साथ हुई पूछताछ में उसने परसा के मुखिया के मामले में शामिल होने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से जीआरपी ने 3 लोगों को करीब 30 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। शराबबंदी को लेकर के पुलिस द्वारा रेगुलर बेसिस पे कार्रवाई की जा रही है। इसी में एक बार सूचना मिली है कि शिवाजी थाना क्षेत्र में दारू की रख रखाव हो रही है, बिक्री हो रही है। इसी के मद्देनज़र एक टीम बनाई गई जिसमें वो थाना अध्यक्ष को भी रखा गया और उन्होंने 455 लीटर 375 ml की बोतल और 48 बोतल 180 ml की बरामद। जैकलिन फर्नांडिस एक खास अंदाज में नजर आई। जैकलिन मुंबई में ली के डेनियम जींस के एक प्रमोशनल इवेंट में हिस्सा लेने आई थी। इस खास मौके पर जैकलिन ने बताया कि वह अब ली जींस की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। इस खास मौके पर जैकलिन एक अलग ही अंदाज में नजर आई। जैकलिन ने ली डेनियम जींस के प्रमोशनल इवेंट में जमकर मस्ती भी की। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव।